Assalamu alaikum and a very warm and a good morning to all my lovely and energetic student of class 2. Student, how are you this morning? Student, I'm really missing you all. Mujhe aap sab ki bahut yaad aa rahi hai. Student, today's morning is very beautiful, hai na? Today's morning is really very beautiful. So cold weather, hai na? Bahar bahut acha weather hai. But please take care of yourself in this weather. आप अच्छे से स्वेटर्स पहन के रखें, सॉक्स पहन कर घूमें घर में, आप कैप्स पहन कर घूमें. प्लीज़ आप अपना टेक केयर करें, बिकॉज दिस इज़ अ विंटर सीजन, राइट? आपको सर्दी नहीं होनी चाहिए, है ना? सो कीप योर सेल्फ अ वेरी वॉर्म. और उसके साथ साथ आपको आपकी स्टडीज़ भी करनी है. आपकी PT2 एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आने वाली है, पता है ना आपको? आपको सिलेबस मिल गया है, टाइम टेबल भी मिल गया है ना? और एक दो दिन में आपको तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी सारी एग्ज़ाम के रिलेटेड, है ना? सो आई यू एक्साइटेड फॉर योर एग्ज़ाम? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके पेपर्स वापस से चेक करने के लिए, है ना? सो स्टूडेंट, मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप अपना पेपर लिखते हो, सो स्टूडेंट आपको खुद लिखना है ना? आपको क्या करना है, आपका पेपर खुद बहुत ही नीटली और टाइडली लिखना है, एकदम गुड हैंडराइटिंग में लिखना है कि आपका पेपर देखकर मैडम एकदम खुश हो जाए, आपको आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट लिखकर दे. आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, किस चीज़ के लिए, गाइडेंस के लिए कि मम्मा इसमें कैसे करना है, बट पेपर आपको खुद लिखना है. Your parents are not going to write the paper for you. Okay, student? आपको आपका पेपर खुद लिखना है. Not your parents are going to write. I can recognize the handwriting. Okay? और एकदम neat and tidy से लिखना. आपका नाम अच्छे से लिखना. Full name लिखना. For example, मेरा नाम है रेशमा नियाज जमादार. तो आप भी आपका पूरा नाम लिखना. XYZ जो भी आपका नाम है. स्टैंडर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा आपके पेपर पर. आपको स्टैंडर्ड के बाजू में आपका करेक्ट डिवीजन लिखना है कि आप सेकेंड ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी, ई, एफ. आप जो भी सेक्शन में हो आपको कैपिटल सेक्शन लिखना है, ठीक है? उसके बाद आपको आपका रोल नंबर लिखना है कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, आपका क्या रोल नंबर है, वो करेक्टली लिखना है. स्टूडेंट, आपको सभी पेपर में इतनी इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट ही लिखनी है और कंपलसरी है ये इन्फॉर्मेशन लिखना. उसके बाद बिस्मिल्लाह बोलकर आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट करें. मैंने आपको स्कूल में भी समझाया था कि बिस्मिल्लाह बोलकर हर एक काम को करना चाहिए, ठीक है? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर रिकैपिटेशन चैप्टर नंबर 8, अवर हेल्पर्स. स्टूडेंट, हु आर हेल्पर्स? हेल्पर्स किसको बोलते हैं, जो लोग हमको मदद करते हैं, वो सभी लोगों को क्या बोला जाता है, हेल्पर्स. आपको पता है हेल्पर्स कौन कौन हैं? ओके, हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं. हमारे घर में हमें कौन कौन हेल्प करता है? अभी तो आप छोटे हो ना, तो आपको तो सब हेल्प करते होंगे. सबसे पहले तो आपकी मम्मी आपको हेल्प करती है, आपको खाना खिलाती है, आपको तैयार करती है, आपको नहलाती है, आपका होमवर्क करवाती है, आपके पीछे पूरा दिन दौड़ती है. तो सबसे बड़ी हेल्पर कौन हुई? मम्मी हुई. तो आज सभी लोग अपनी मम्मी को थैंक यू बोलेंगे और एक ज़ोर सा टाइट करेंगे, हक देंगे, है ना, गले लगाना, क्योंकि मम्मी बहुत काम करती है. दूसरा हेल्पर कौन है? पापा. पापा भी बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, है ना? सुबह से जाते हैं शाम तक, आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना? आपको जो भी चीज़ चाहिए बाज़ार से तुरंत पापा ला देते, कभी मना नहीं करते. तो पापा को भी थैंक यू बोलना है और गले लगाना है, ठीक है? करोगे ना? ओके, ठीक है. आई प्रॉमिस, हाँ, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा और आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा कि किस किस ने मम्मी और पापा को थैंक यू बोला है. ओके, फिर आपके दादा, आपकी दादी, बड़े भैया, बड़ी सिस्टर्स, है ना? आपसे बड़े भाई बहन भी आपकी हेल्प करते होंगे ना स्टडी में. भैया, आज तो मेरा हाथ दुख रहा है, प्लीज़ मुझे होमवर्क कर दो. बेचारा भैया और बहन कर देती है ना? तो ये सारे कौन है? हेल्पर्स. अब हमारी सोसाइटी में कौन हेल्प करता है? हमारी सोसाइटी यानी घर के बाहर
हमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं हमारे काम के लिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पॉज पिक्चर कौन है जिससे अभी हमें बहुत डर लगता है, अगर मास्क नहीं पकड़ा पहना तो क्या करते हैं, हमें पकड़ लेते हैं और हमें फाइन कर पे करवाते हैं। तो हु इज दिस पुलिसमैन? पुलिसमैन कैसे हमें हेल्प करता है? पुलिसमैन हमारी सिटी को सेफ रखता है ना, हमें बुरे लोगों से बचाता है। अगर हम कोई तकलीफ़ में है, कोई परेशानी में है, राइट, तो हमें कौन मदद करता है? पुलिसमैन। सेकेंड पिक्चर में कौन है? हु इज दिस टीचर? टीचर आपको क्या हेल्प करती है? टीचर आपको गुड मैनर्स सिखाती है, आपको राइटिंग वर्क, रीडिंग वर्क, है ना। टीचर आपको एक मोल्ड करती है, मोल्ड यानी टीचर आपको दुनिया के सामने आने के लिए तैयार करती है ना। टीचर का जॉब बहुत अच्छा होता है, टीचर आपको हर चीज़ से सब कुछ सिखाती है, आपको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ाई करनी है, आपका गोल्ड क्लियर करती है, आपका विजन क्लियर करती है। एंड टीचर इज़ योर सेकेंड मदर, है ना। योर फर्स्ट हाउस इज योर ओन हाउस, सेकेंड हाउस इज योर स्कूल, एंड हु इज़ द सेकेंड मदर? टीचर। क्यों? क्योंकि आप जब भी स्कूल जाते हो तो सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक टीचर आपकी देखभाल करती है। अगर आपको कुछ लगा तो एक मम्मी की तरह आपको वो गले लगाती है, आपको बैंडेज करती है ना। अगर आपको स्कूल में कोई परेशानी है तो टीचर आपको हेल्प करती है लाइक अ मदर, है ना। नाउ विच इज़ द थर्ड पिक्चर? द थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर भी हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हम बीमार पड़ गए तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेडिसिन देता है, हमें एग्जामिनेशन करता है, इंजेक्शन देता है, एंड ही मेक्स अस अ वेल। हमें वो वापस हेल्दी बना देता है, राइट। और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो डॉक्टर्स तो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं ना। अभी कोरोना के लिए हमें हर बार सिखाते हैं, वॉश योर हैंड, क्लीन, मेक योर सेल्फ क्लीन, वेयर अ मास्क, डू द सैनिटाइजर फॉर योर सेल्फ। बाहर से जैसे ही आप घर में आते हो, खेल कर भी आते हो, तो मुंह हाथ अच्छे से धोना चाहिए, ये सब, राइट। सो दिस थ्री आर अ वेरी गुड हेल्पर्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ सी दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बिफोर, सो यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन किसको बोला जाता है? द वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट, ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है? आपके पापा जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे वो क्या कमा के लाते हैं? पैसे कमा के लाते हैं। तो जो काम करने से आपको पैसे मिलते हैं, उस काम को बोला जाता है ऑक्यूपेशन। अगर स्टूडेंट आपको ऐसा कोई पूछता है, व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, तो आपके पापा जो भी काम करते हैं वो आपको बताना है ऑक्यूपेशन। यानी हम जो काम करते हैं, आपके पापा ऑफिस काम में काम करते हैं, बिजनेसमैन है कि फार्मर्स है कि शॉप है, आपको कभी भी आपके ऑक्यूपेशन से शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। आप जो भी चीज़ में पैसे कमाते हो उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशन। यानी आप जो भी काम करते हो वो आपका क्या है? ऑक्यूपेशन। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। सभी बच्चे, सभी लोग एक जैसा तो काम नहीं करते ना, सभी लोग अलग अलग काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशन सबका अलग होता है। सम ऑफ देम हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें डेली लाइफ के लिए काम लगते। कौन कौन है? पीपल हु मेक थिंग्स फॉर अस। जो पीपल हमारे लिए चीज़ों को बनाते हैं, बर्तनों को बनाते हैं, पॉट्स को बनाते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? अ पॉटर मेक्स अ पॉट एंड पैंस फॉर अस। पॉटर्स यानी एक जो पॉट बनाने वाला है, मटका बनाने वाला है, वो हमारे लिए मिट्टी के बर्तन बनाता है और मटका बनाता है। यानी वो हमें हर रोज़ हेल्प करता है,
हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाउ हु इज़ द सेकेंड, उसको क्या बोला जाता है? पॉटर। अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल एंड चेयर फॉर अस। आपको ये दिख रहा है ये आदमी कौन है? कारपेंटर है, यानी फर्नीचर बनाने वाला। अब घर में फर्नीचर की तो ज़रूरत पड़ती है, कभी चेयर की ज़रूरत पड़ती है, कभी टेबल की ज़रूरत पड़ती है, कभी कबोर्ड की पड़ती है, तो कभी बेड की पड़ती है, तो हम किसको बुलाते हैं? कारपेंटर। यानी वो भी हमें मदद करता है हमारे कामों के लिए, हमारा काम आसान करता है, राइट? हमें तो टेबल चेयर बनाना नहीं आता है, तो हम तो खुद नहीं बना सकते, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? कारपेंटर की हेल्प लेनी पड़ती है। Which helper brings your letter and parcel? Who brings post office? Postman brings a letter for us. Who brings a letter for us? Postman. A farmer grows food for us to eat. हमारे खाने के लिए खाना कौन ग्रो करता है? Farmers, किसान लोग, है ना? फार्मर्स लोग, बहुत सारे के पेरेंट्स फार्मर्स होंगे, यानी हमें फार्मर्स पर प्राउड फील करना चाहिए, हमें प्राउडली बोलना चाहिए कि माय फादर इज़ अ फार्मर। क्यों? क्योंकि अगर फार्मर्स लोग खाना नहीं ग्रो करेंगे, वो लोग खेती में जाकर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स सोचो हमें खाना कैसे मिलेगा? हम तो जाकर खेती में काम नहीं करते हैं, फार्मर्स करते हैं, तो हमें फार्मर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि फार्मर्स की वजह से आप सुबह शाम आपको जो भी खाना खाना हो है वो आपको मिलता है। किसकी मदद से? फार्मर्स की मदद से। तो वी शुड ऑलवेज सपोर्ट टू द फार्मर्स एंड वी शुड सैल्यूट टू द फार्मर्स, क्योंकि अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो कंट्री कैसे चलेगी, खाना कहाँ से मिलेगा, है ना? विदाउट द फार्मर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना? सो वी शुड ऑलवेज सपोर्ट द फार्मर्स। तो थैंक यू फॉर द फार्मर्स। जिसके भी पेरेंट्स फार्मर्स का काम कर रहे हैं, फार्मिंग का काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हमें खाना मिलता है, है ना? तो जिसके भी फादर्स फार्मर्स की काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, वो सभी फादर्स को आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट। पीपल हु मैंड अवर थिंग्स, यानी अगर हमारी कोई चीज़ टूट जाती है, चप्पल टूट जाता है, स्लीपर्स ख़राब हो जाते हैं, शूज़ का टूट जाना, शूज़ का बेल्ट टूट जाता है, तो हम किसके पास जाते हैं? वी गो टू द कोबलर। कोबलर यानी मोची, जो हमारे शूज़ को वापस से रिपेयर कर देता है, है ना? तो ये भी बहुत हेल्पर है, हमें हेल्पफुल है, है ना? कभी इमरजेंसी में अगर हमारा शूज़ ब्रोक हो गया तो हम नया शूज़ तो तात्कालिक लेने नहीं जाने वाले हैं, तो हम फटाफट कोबलर के पास जाते हैं और वो 5 मिनट्स में हमारे शूज़ को प्रिपेयर करके हमें दे देते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो गुड हेल्पर। अ टेलर माइंड अवर टोन क्लोज, शी ही ऑल्सो टीचेज अ न्यू क्लोथ्स फॉर आस। हमारे नए नए अच्छे अच्छे कपड़े कौन सीता है? टेलर, है ना? अगर फेस्टिवल है, किसी की शादी है, तो हम नए कपड़े सिलाते हैं, है ना? तो हमारे कपड़े कौन सीता है? टेलर सीता है। तो टेलर भी हमें डेली यूज़ में काम आता है ना, कपड़ों के लिए काम आते हैं। अगर कभी कभी आपका स्कूल यूनिफॉर्म या आपका फेवरेट फ्रॉक या पैंट फट जाती है, तो मम्मी किसके पास जाती है? उसको ठीक करने के लिए टेलर के पास जाती है। सो टेलर भी हमारा क्या है? हेल्प मैन। अ पम्बलर रिपेयर ब्रोकन टैप्स एंड पाइप्स। जो पम्बलर होता है वो क्या करता है? हमारे घर का कोई नल खराब हो गया या पाइप खराब हो गई, पाइप टूट गई, तो हम किसको बुलाते हैं? पम्बलर को बुलाते हैं, है ना? तो वो भी हेल्पर है कि आके फटाफट हमारा काम कर जाता है ना, यानी फिर हमारा घर में पानी खराब नहीं होता है, क्योंकि हमें तो वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपके घर में कोई नल खराब हो जाए, कोई टैप खराब हो जाए या पाइप पानी की फट जाए, तो तुरंत आपको पम्बलर को बुलाकर उसको ठीक कराना है। पीपल हु सेल द थिंग्स, ऐसे लोग जो चीज़ों को मार्केट में बेचते हैं। केमिस्ट,
केमिस्ट किसको बोला जाता है स्टूडेंट? मेडिकल शॉप को क्या बोला जाता है? केमिस्ट, जहाँ से हम अपनी दवाई को ख़रीदते हैं, जिस दुकान से हम अपनी दवाई को ख़रीदते हैं उस दुकान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केमिस्ट। क्या बोला जाता है? केमिस्ट। अब वो दुकान वाला भी बहुत हेल्पफुल है कि अगर हम बीमार पड़े या कुछ चीज़ हमें इमरजेंसी में चाहिए तो तुरंत आप जैसे ही मेडिकल स्टोर में जाओगे वहाँ से आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। अ बेकर सेल्स बेक्स ब्रेड्स केक्स एंड पेस्ट्री। वाओ, हमें बेकर शॉप्स बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि बेकर शॉप में जैसे ही आप जाते हो आपको बिस्किट है, ब्रेड है, केक और पेस्ट्रीज, यमी यमी पेस्ट्रीज खाने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? दिस ऑल थिंग्स यू गेट्स फ्रॉम द बेकर शॉप। ओके स्टूडेंट, सो ये भी एक ग्रेट हेल्पर्स है। नाउ सी द नेक्स्ट, अ ग्रॉसर, ग्रीन ग्रॉसर सेल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन ग्रॉसर किसको बोला जाता है? साग भाजी की लारी लेकर जो आदमी आता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्रॉसर। सो स्टूडेंट, आज से अगर आपकी सोसाइटी में या आपके एरिया में कोई सब्जी वाला आता है तो आप मम्मी को ऐसा नहीं बोलोगे, मम्मी सब्जी वाला आया। नो, आप क्या बोलोगे? मम्मी ग्रीन ग्रॉसर आया। क्या बोलोगे? मम्मी ग्रीन ग्रॉसर आया। ग्रीन ग्रॉसर यानी सब्जी वाला जो हर एक टाइप की वेजिटेबल्स लेकर हमारे घर तक आता है, है ना? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आता है जिससे हमें मार्केट तक नहीं जाना पड़ता है, तो हमें उसको भी क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारे लिए हमारे घर तक आता है। अ मिल्कमैन डिलीवर मिल्क टू आवर होम। हमारे घर तक दूध हमें कौन पहुंचाता है? मिल्कमैन, है ना? मिल्क पीना तो बहुत ज़रूरी है। चलो स्टूडेंट, आज का आपका एक और क्वेश्चन, कौन से बच्चा मिल्क पीता है हर रोज, कौन से कलर का? वाइट के ब्राउन? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा कि रेशमा मैडम, आई एम ड्रिंकिंग वाइट मिल्क और यू आर ड्रिंकिंग अ ब्राउन मिल्क। वाइट मिल्क से अच्छा है ब्राउन मिल्क, क्यों? क्योंकि आपको दूध में कुछ ना कुछ डालकर पीना ज़रूरी है। आप ड्राई फ्रूट्स डालकर पियो, आप बॉलमीठा डालकर पियो, आप हॉर्लिक्स डालकर पियो या कॉम्प्लेक्स डालकर पियो, कुछ भी अंदर ऐड कर पीना ज़रूरी है। या तो अभी ठंडी की सीज़न चल रही है तो आप हल्दी डालकर पियो, वो भी बहुत अच्छी है। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दोगे, राइट? मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी। पीपल हु ऑफर द सर्विस। सर्विस यानी आपको मदद करते हैं, जब भी कुछ भी ज़रूरत है तुरंत हाजिर हो जाते हैं। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ बस फॉर अस। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाता है, बस में जाओगे तो कौन बस चलाता है? ड्राइवर। तो वो भी हमें हेल्पफुल हुआ। यस, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो बस कैसे चलेगी, हम तो चला नहीं सकते, है ना? अ बार्बर कट्स अवर हेयर। हमारे बाल इतने लंबे हो जाते हैं तो कौन काटता है? बार्बर। जस्ट इमेजिन बॉयज, आप सोचो कि अगर बार्बर नहीं होता तो बॉयज़ के हेयर्स कौन काटेगा? फिर तो बॉयज़ के हेयर्स भी गर्ल्स जैसे लॉन्ग हो जाएंगे, है ना? तो बाल काटने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? बार्बर की, है ना? नाउ सी द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, यो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ आवर हेल्पर, राइट स्टूडेंट्स? सो टिल देन, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। आप हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, क्योंकि आप हेल्दी होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओके माई लवली स्टूडेंट, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।